राधे राधे हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वर्षा राधिका अनमोल चैनल पर और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी को नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की व्रत कथा सुनाने वाली। तो आइए सुनते हैं नवरात्र के पहले दिन की व्रत कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा और माता का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें विशारोड़ा भी कहा जाता है। और इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और इनके बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है और यही देवी सती नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, परंतु महादेव को आमंत्रण नहीं दिया। देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रण दिया है लेकिन हमें नहीं बुलाया और वहाँ जाना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन देवी सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। देवी सती जब अपने पिता के घर पहुंची, सिर्फ उनकी मां ने ही उनसे बात करी और उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में उपहास और व्यक्त के भाव थे और देवी सती के घर वालों के मन में भी भगवान शंकर के लिए तिरस्कार का भाव था और दक्ष प्रजापति ने भी भगवान शंकर के लिए अपमानजनक वचन कहे। इससे देवी सती को बहुत दुख हुआ। देवी सती अपने पति भगवान शंकर के लिए अपमान नहीं सह सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। जब यह बात भगवान शंकर को पता चली तो इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। देवी सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और देवी शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हिम देवी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं और देवी शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ था। शैलपुत्री भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी थी। इन देवी का महत्व और इनकी शक्ति अनंत है। तो ये जानते हैं नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करें। लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र बिछाएं। माता शैलपुत्री की तस्वीर रखें या नौ दुर्गा की तस्वीर रखें। इसके बाद हाथ में लाल फूल लेकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और माँ शैलपुत्री के इस मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस मंत्र का जप करते हुए हाथ में जो फूल लिए उसे माता की तस्वीर के ऊपर चढ़ा दें। इसके बाद माता को भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जप करें। माता के मंत्र का 108 बार जाप करें और साथ ही दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें। नवरात्र के प्रथम दिन माता को दूध से बनी चीज का जरूर भोग लगाएं और साथ ही में गाय के घी से बनी इन चीजों का भी भोग लगाएं। तो भक्तों, ये थी नवरात्र के प्रथम दिन की व्रत कथा और पूजा विधि। और अगले 9 दिन तक हमारे चैनल पर व्रत कथा और पूजा विधि आती रहेंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा।